अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रफीक जायके में आप सभी को खुशामदीद। तो आज हम बनाएंगे मटन बिरयानी। तो मटन बिरयानी बनाएंगे एकदम दिल्ली दरबार स्टाइल। दिल्ली दरबार में बिरयानी का बहुत क्रेज था। भारत का सबसे ज्यादा ऑर्डर होने वाला आइटम बिरयानी है, लेकिन उस टाइम उनकी बिरयानी की कुछ अलग ही बात था। उनका जो फ्लेवर था वो बहुत ही अलग था, सब सारे बिरयानी से अलग था। तो इंशाल्लाह एकदम हूबहू आपको हम बताएंगे दिल्ली दरबार में बिरयानी कैसे बनती है। तो दोस्तों पहले डाल देंगे तपेले में हम मटन। मटन है हमारा 6 किलो, 2 किलो दही, 2 टेबल स्पून हल्दी और 100 ग्राम धनिया, 50 ग्राम लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार। और ये पाइनएप्पल डाल देते हैं, वहां की बिरयानी में पाइनएप्पल जरूर डालते हैं। और इसे एक बार हम फर्स्ट मैरिनेशन करके और एक आध घंटे के लिए हम इसे रख देंगे, फिर बाकी बाद में हम आपको दिखाते हैं। चीनी लकड़ी, फूल, काली मिर्च, जावित्री, बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग ले लेते हैं थोड़ा, बहुत पाउडर नहीं करना। तो दोस्तों मसाला हमने कूट लिया है, देख सकते हैं। बस ये पूरा मसाला हमें इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा लेमन जूस डाल देंगे, पुदीना। तो दोस्तों थोड़ा सा हम आलू बुखारा डाल देंगे। बिरयानी के अंदर आलू बुखारा खास करके डाला करें, इससे टेस्ट बहुत जबरदस्त आता है। निग्रिस्ता, और ये घी। अब करते हैं मिक्स। मिक्स करने में जरा भी कंजूसी नहीं, खूब कायदे से मिलाएं। दोस्तों थोड़ा सा हम आलू भी काट लेते हैं, उसमें मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों कर लेते हैं थोड़ा सा फ्राई आलू को हम। तो दोस्तों पानी रख दिया हमने गरम करने के लिए, तो उसके अंदर इतना मसाला हम डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, लौंग ले लिया हमने, हरी इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी लकड़ी है, तेज पत्ता है, बस ये इसके अंदर हम डाल देंगे। हरी मिर्च थोड़ा डाल देंगे और थोड़ा जीरा, बस। तो दोस्तों ये आलू भी इसके अंदर डाल के एक बार हम मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों दूध के अंदर थोड़ा हम केसर डाल देते हैं, हमारे बिरयानी के लिए कलर भी हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा लास्ट में हम अदरक लहसुन डाल रहे हैं। अदरक लहसुन है बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे और हो गया हमारा काम। तो दोस्तों अब डाल देते हैं नमक और चावल डाल देते हैं। चावल चावल को थोड़ा हाथ मार दे ताकि नीचे बैठने का टेंशन ना रहे। और चावल डालने तो फिर पानी चेक कर ले कि नमक है या नहीं, बराबर है, क्योंकि अगर नमक कम इसमें रहेगा तो बिरयानी में आपको मजा नहीं आएगा। तो दोस्तों सारा मिर्चा हमारा रेडी हो गया, बस चावल हमें पसा देना है। दिल्ली दरबार का बिरयानी खास इसलिए होता है क्योंकि वहां की बिरयानी में वो लोग कंजूसी नहीं करते हैं। अक्सर लोग है ना माल बनाते हैं लेकिन कंजूसी बहुत करते हैं। जब सब कुछ डाल देंगे, हल्दी मिर्ची धनिया नमक सब डालेंगे, बिरिस्ता कम कर देंगे। इससे खासियत क्या है, लोग सिगड़ी नहीं खरीदते हैं, सिगड़ी के अंदर वो लोग दम करते हैं। तपेले में वो कच्चे चिकन से ही बिरयानी बनाते हैं और कोयला भर के बढ़िया आराम से वो लोग। दूसरे लोग क्या करते हैं, भटियारे लोग के अलावा रेस्टोरेंट वाले होटल वाले काला होगा पीला होगा इस चक्कर में क्या करते हैं, सिकड़ी नहीं खरीदते हैं, तावे लगा के गैस पे बनाते हैं। तो इसलिए उनके पास एक मजबूरी होती है कि वो लोग पका लेते हैं पहले, उसके बाद में दम करते हैं, तो वो टेस्ट नहीं आता है जो कच्चे में टेस्ट आना चाहिए। तो इसलिए आज हम पूरा आपको कच्चे में बिरयानी बना के दिखाएंगे। दूसरी चीज, उनके अंदर एक खास बात और होता है कि जब भी वो मटन बिरयानी बनाते हैं तो वो लोग पाइनएप्पल जरूर डालते हैं, तब वो सिकड़ी पे दम करते हैं और आसान से मटन उनका गल जाता है। तो इसीलिए हमने आपको मटन के अंदर पाइनएप्पल भी डाल के दिखा दिया। तो दोस्तों अब हम चावल छान देते हैं। चावल हमारा 50% पक गया है।
डाल देते हैं इसके ऊपर राइस। तो दोस्तों राइस को हम कर देंगे थोड़ा बराबर, लेमन का स्लाइस डाल देंगे हम ऊपर से। इसका फ्लेवर बहुत जबरदस्त लगता है जब राइस बनके रेडी हो जाता है। तो रोस्ट वाटर 2-3 टेबल स्पून डाल दें और 2-3 टेबल स्पून डाल दें केवड़ा वाटर, बहुत बढ़िया रहेगा राइस के लिए। गर्म घी बिरिस्ता वाला, इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे बिरिस्ता के साथ, बहुत जबरदस्त होगा। तो दोस्तों एक कपड़ा हमने बिछा दिया है और ये रख देंगे एक ढक्कन जो हमें बंद करना है, और इसके ऊपर बढ़िया से ये बढ़िया बैठ जाएगा, हमको आटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केसर हमारा रेडी हो गया, हमने इसको थोड़ा गर्म कर लिया था दूध को, तो खूब बढ़िया से ये हो गया कलर। अब डाल देंगे हम बिरयानी के ऊपर से और मार देंगे ढक्कन, और दिल्ली दरबार का बिरयानी बनके रेडी। ये आ गया हमारा ढक्कन और ये आ गया थोड़ा सा भोजन, एक थोड़ा इस साइड भी रख देंगे ताकि बैलेंस बराबर रहे। तो दोस्तों दोनों तरफ हमने रख दिया है पानी तपेले में भर के, तो ये क्या है बराबर एकदम सेट रहेगा, बैठा रहेगा। तो और नीचे लगा दिया है हमने तावा। तावा लगाने से क्या होता कि हम फास्ट भी कर देंगे तो लगने का टेंशन नहीं रहेगा। तो पहले अब हम फायर लगाते हैं। देख सकते हैं अभी ये करीब 5-7 मिनट मैं इतने फायर पे रखूंगा, ठीक है। उसके बाद में 5-7 मिनट के बाद स्लो कर दूंगा, फिर वो रहेगा कम से कम तो 1 घंटा। 5 मिनट मेरा हो गया है और अब इसे हम कर देंगे स्लो और रख देंगे इसको 1 घंटे के लिए, भूल जाएंगे कि यहाँ पे बिरयानी रखा हुआ है। देख सकते हैं गैस हमने स्लो किया था और अब 1 घंटा हो गए हैं हमें स्लो करने के बाद। तो अब गैस हम बंद कर देते हैं और 15 मिनट तक यूं ही रखा रहेगा, उसके बाद हम दम को इसको हम ओपन करते हैं। इसको हम थोड़ा चेक करते हैं, राइस तो क्या बात है अलग अलग है, इंशाल्लाह बोटी चेक करते हैं। क्या बात है। तो दोस्तों थोड़ा हम सर्व कर देते हैं बिरयानी। ये हो गया बिरयानी हमारा कंप्लीट। तो दोस्तों बिरयानी हमारी रेडी हो गई, थोड़ा मार दिया बिरिस्ता और ये आ गया थोड़ा सा पुदीना। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।